नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी केवल पांचवी या आठवीं पास हैं और हाई कोर्ट के अंदर ग्रुप डी की पोस्ट पर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं 2019 में, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई कोर्ट ग्रुप डी भर्ती 2019 के बारे में, जहां पर कुल 4000 पदों पर बंपर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और 18 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन भी शुरू होने वाले हैं। तो अगर आप लोग आज की इस वीडियो को पूरी देखते हैं तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और आगे आने वाली ऑनलाइन फॉर्म भरने की वीडियो को देखने के लिए नौकरी खबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आपको बता दें कि अगर आप लोग पांचवी या आठवीं पास है तो आवेदन कर पाएंगे। ऑल स्टेट के लिए जॉब आ चुकी है, ऑल इंडिया वैकेंसी है, सभी राज्यों के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और आप लोग यहां पे 17/12/2019 यानी कि 17 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में वेतन 19,900 रुपए से लेकर 63,200 तक मिलेगा। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो दोस्तों, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 6/11/2019 यानी कि 6 नवंबर को ही आ गया था और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं न्यायालय के अंदर चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी कि ग्रुप डी के पदों पर यहाँ पे भर्ती आ चुकी है और आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे 12,400 रुपए वेतन के रूप में दिया जाएगा। इसके अलावा आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। चलिए मैं आगे आपको सारी जानकारी बता देता हूँ उसके बारे में। यहाँ पे सबसे पहले आपको कैटेगरी वाइज देखना होगा, बहुत सारी यहाँ पे छूट होती हैं जैसे कि आप लोगों को मिलेंगी। और यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात किया गया है। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य किसी बोर्ड से सेकेंडरी यानी कि आप लोग आठवीं या दसवीं पास होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो फिजिकल के बारे में कहा गया आप लोग देख सकते हैं, शारीरिक उपयुक्तता के बारे में बात किया गया, तो आपको बता दें कि आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए, किसी भी प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीयता के बारे में बात की गई है, तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए या नेपाल के नागरिक हो तो भी चल जाएगा। और यहाँ पे आपको आयु के बारे में बात की गई, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1 जनवरी 2020 से गिनी जाएगी, कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक आपकी जो उम्र है वो 40 साल की होनी चाहिए। और इसके अलावा इस भर्ती के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यहाँ पे कार्यालय चपरासी समतुल्य के पदों पर ये भर्ती आ चुकी है और इसके बारे में यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। फॉर्म फीस की बात करें तो अगर आप सामान्य हैं और या ओबीसी हैं तो आपका 150 रुपए और जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटीएससी में आते हैं उनके लिए केवल और केवल 100 रुपए एप्लीकेशन फीस लगेगा। इसके अलावा आपका जो शुल्क परीक्षा शुल्क है वो वापसी नहीं होगी। और इस नोटिफिकेशन के अंदर में आपका सिलेबस भी बताया गया है, क्योंकि आपका यहाँ पे लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं कि आपको ये सब नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा, ये सिलेबस आप लोग कैसे देख पाएंगे, कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। आवेदन करने की डेट की बात करते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 18/11/2019 यानी कि 18 नवंबर के दिन सोमवार से लेकर आप लोग 17/12/2019 मंगलवार यानी कि 17 दिसंबर के रात के 11:59 तक ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे और यहाँ पे बाकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। बाकी मैं आपको नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे आपको 3,678 पद देखने को मिलेंगे, तो आप लोग वहाँ से इस पेज पे आके सारी जानकारी देख पाएंगे। और ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक यहाँ पे 18 नवंबर 2019 को एक्टिव हो जाएगा। अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। साथ में ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आ चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नौकरी खबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा।